The most gracious, the most merciful. Respected students, you are listening to the voice of Sir Rana. Our contact number is 0305-631-9464. Subscribe, like our channel, the ESL Academy. Respected students, today we'll discuss Blue Man, the character, the portrait of Blue Man and the Ship Man or the Sailor. Let's start at today's topic. The portrait of Shipman. Portrait of Shipman. ये जहाजरान मगरबी मुल्क में कहीं रहता है. So मगरबी किसी कंट्री में रहता है. क्या करता है? जहाज का कप्तान है. और इसका नजरिया ये है कि अच्छा इंसान जो होता है वो बड़ा तजर्बेकार शख्स होता है. और ये अक्सर इसकी फाइट भी हो जाती है लोगों से. और ये बड़ा इमोशनल किस्म का इंसान है और इसने बहुत सारे तूफानों का सामना किया हुआ है. और इसके अंदर एक फॉल्ट है कि ये क्या करता है, ये जितने भी ताजर होते हैं जो इसके साथ, यानी ये खुद को जहाज का कप्तान है, तो ये क्या करता है, ये जब सोए होते हैं लोग ताजर वगैरह और सामान वगैरह एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाते हैं, तो ये उनकी शराब एक तो पी लेता है और एक उनकी शराब जो है वो निकाल भी लेता है, चोरी कर लेता है. यानी चोरी को ये कोई गुनाह नहीं समझता. इसके लिए चोरी जो है वो किसी किस्म का कोई गुनाह नहीं है. ये शख्स जो है जराइम पेशा है. और ताजरों के सामान से चोरी करना और लड़ाई झगड़े मोल लेना इसके लिए आम बात है. समझ आ गई कैसा करैक्टर है? इमोशनल है, जज्बाती है, लड़ पड़ता है, बहुत सारे लोगों से लड़ा है. ताजर जो होते हैं, जो उसके साथ ट्रेडर्स हैं, वो अगर इसके साथ जाते हैं सफर करते हैं, वो सोए होते हैं, ये उनका सामान निकाल लेता है और इसको ये गुनाह भी नहीं समझता. सो लेट्स स्टार्ट. अ शिपमैन वाज देयर. अ शिपमैन वाज देयर. तो उस वॉयज में, उस जर्नी के साथ, उनके साथ क्या था? ए अ शिपमैन वाज देयर विंग्स फॉर बाय वेस्ट और देयर वाज अ सेलर. यानी ये पुरानी इंग्लिश थी, अब न्यू पढ़ रहा हूं. देयर वाज अ सेलर लिविंग फॉर आउट वेस्ट. फार आउट वेस्ट का मतलब है लिविंग का मतलब होता है इनहैबिटेंट, रहने वाला. उनमें एक सेलर भी था, उनके अंदर एक शिपमैन भी था, उनके अंदर एक जहाज रान भी था, जहाज का कप्तान भी था, और जो मगरबी किसी कंट्री से, मगरब के किसी कंट्री से ताल्लुक रखता. फॉर ऑट आई नो ही वॉज अ डार्क माउथ टाउन और फॉर ऑट आई वोट ही वॉज ऑफ द डार्क माउथ. यानी जहां तक मेरा ख्याल है, वो कहता है फॉर ऑट आई नो, जहां तक मैं जानता हूं, ही वॉज ऑफ डार्क माउथ टाउन. यानी ये इस तरह की कुछ वर्ड्स जो हैं आपके नॉलेज में नहीं है, मैं आपको बताता हूं, इसको अंडरलाइन कर लें. डार्क माउथ टाउन, ये साउथ ईस्ट साइड ऑफ कैनेडा है, जिसको कहते हैं डार्क माउथ टाउन. ये किसी कैनेडा के, जहां तक मेरा ख्याल है कि वो किसी कैनेडा के, साउथ ईस्ट कैनेडियन इलाके से ताल्लुक रखता. He rode upon our rooms as he could. आगे सिंपल इंग्लिश में देखें. He sadly rode a hackney in a gun. Hackney का मतलब होता है कैरेज उठाना. ठीक है, जब भी कोई आप जहाज चलाते हैं या आप कप्तान है उसके, या जहाज में आप होते हैं, तो आपने एक खास किस्म का ड्रेस पहना होता है. तो उसने एक खास किस्म का गाउन, एक खास किस्म का, जब कोचिंग कैरेज कोच जो था उसने, वो उसको रोड करता चलाता और उसने खास किस्म का एक ड्रेस पहना हुआ था. इन अ गोन ऑफ द फेल्डिंग्स टू द नी. फेल्डिंग टू द नी यानी ये पुरानी इंग्लिश है, अब नहीं देखें. ऑफ थिक रॉ, थिक रफ, रफ होता है बेतरतीब सा क्लोथ कपड़ा. फॉलिंग नीचे आना, नीज उसके नी से. उसने एक ढीला ढाला जो चोगा है कपड़ा ड्रेस पहना हुआ था, जो उसके नी से नीचे जा रहा था, नी जो है इससे भी नीचे जा रहा था. अ डैगर्स हैंगिंग ऑन लैस हैड ही. सिंपल इंग्लिश में देखें. अ डैगर हैंगिंग ऑन अ कोड. कोड होता है डोरी, रस्सी. हैड ही, उसने अपने गले में क्या एक डैगर, एक खंजर भी जो है वो भी लटकाया हुआ है. उसने एक खंजर भी लटकाया हुआ है. About his neck, under his arm, adown. About his neck and under arms and downs. और वो कहां से, उसने अपने गले में एक रस्सी सी लटकाई और उसके साथ खंजर भी बांधा हुआ और under arms down और वो arms तक नीचे जा रहा है.
यानी वो अक्सर लोगों से लड़ता है, झगड़ता है, खतरे मोल लेता है, तो ये इस तरह के काम भी वो करता है। ये उसकी शक्लो सूरत दिखा रहा है। The hoot summers had mad his hues all brown. Hue का मतलब ऐसे कलर होता है, ब्राउन होता है, बुरा, ब्राउन। हाँ जी, अबाउट हिज नेक एंड अंडर आर्म्स एंड डाउन, जो उसने खंजर लटकाया हुआ, डैगर्स जो लटकाया हुआ वो उसके कहता है कि बाजू तक नीचे लटक रहा है। द समर्स हीट हैड बर्न्ड द हिज विसेज ब्राउन। विसेज का मतलब लिखें उसका चेहरा, उसकी शक्लो सूरत उसको ब्राउन बना दिया है। गर्मी की हीट ने, समर की हीट ने उसके चेहरे को ब्राउन बना दिया है। आपने देखा होगा हमारे इलाके में गर्मी बहुत पड़ती है तो कुछ लोग बिल्कुल स्याह हो जाते हैं गर्मियों में, तो वो गर्मी में बाहर फिरते रहते हैं, तो इसी तरह गर्मी वो भी सफर करता रहता है समंदरों के ऊपर, तो उसका कलर भी ब्राउन सा हो गया वो कहता है। एंड सर्टनली ही वॉज अ गुड फेलो। और यकीनी तौर पर वो एक अच्छा साथी था, एक अच्छा फेलो था, यानी वो अच्छा इंसान था, दूसरे लफ्जों में कह रहा है। अब सारे काम भी वो कर रहा है फिर भी उसके अलावा उसके साथ भी उसको अच्छा कह रहा है, इट मीन के सटायर है। Full many a draft of the wine had he draws. अब draft का मतलब होता है पीना। Full many a draft, cup, draft का मतलब लिखें cup, wine of cup या इस तरह। Wine he had drawn, I draw का मतलब होता है मेरा बिलीव है, मेरा यकीन है कि उसने बहुत सारे वाइन के जो ग्लास हैं, कप जो हैं, वो पिए थे। Fro Bordeaux ward while that the chapman sleep of Bordeaux, 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 इसकी प्रोनाउंसिएशन है Bordeaux, लिख लें Bordeaux की इंग्लिश, ये Bordeaux के मानी लिख लें सी पोर्ट, ये फ्रांस के इलाके की एक सी पोर्ट है, उसको कहते हैं Bordeaux। ऑफ Bordeaux's विंटेज का मतलब लिखे वाइन, वाइल द ट्रेडर स्लेप्ट, वो सी पोर्ट के ऊपर ताजरों की वाइन जो है वो चोरी कर लेता, ट्रेडर स्लेप्ट, जब वो सोए होते, यानी जब ट्रेडर, जब ताजर सोए होते तो ये उनकी शराब चोरी करता। आगे ऑफ नाइस कॉन्शियस टुक ही ऑन नो कीप, नाइस कॉन्शियस वॉज अ थिंग ही नेवर कैप्ट, और उसके पास कोई जमीर, उसके उसको उस बात से उसका जमीर भी उसे मलामत ना करता, या इसके लिए उसके पास कोई जमीर नहीं था। इफ दैट ही फॉट एंड हर्ड द हर हॉन्ट्स, इफ दैट ही फॉट एंड गॉट द अपर हैंड, अगर वो उनसे लड़ता या किसी बात पे किसी से लड़ता झगड़ता तो हमेशा जीत जाता, क्योंकि लड़ाई वो माहर था, लड़ने झड़ने झगड़ने का भी उसे शौक था। By water he sent him whom to every land. By water he sent them whom to every land. और वो इस बात की अहलियत रखता था कि किसी को किसी भी रास्ते से, पानी के रास्ते से, समंदर के रास्ते से, जिस जगह चाहे भेज दे। जगह के तौर पर आपने किसी बॉर्डर को क्रॉस करना है या किसी कंट्री को क्रॉस करना है तो उसके पास अहलियत थी कि आपको इलीगली इधर से उधर भेज दे। He was having capability. He knows about all these things. But of his craft to reckons well his tight. Reckon का मतलब होता है गिनना, जान लेना। Craft का मतलब होता है a knowledge, अहलियत। Tide का मतलब होता है waves, लिख लें। But as for craft, और उसके अंदर इतनी अहलियत थी या वो ये जानता था to reckon well his tide, कि वो waves को देख के समंदर की हालत बता सकता था या सफर की हालत बता सकता था कि हमें सफर करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। बाज़ लोगों को मालूम होता ना कि वो समंदर देखते हैं कि भाई हमें जहाज चलाना चाहिए, नहीं चलाना चाहिए, कितना चलाना चाहिए, तो वो वेव्स को देख के बता देता था कि मौसम कैसा होगा। हिज स्ट्रीम्स एंड हिज डेंजर्स हिम बिसाइड हिज करंट, उसकी जो करंट का मतलब होता है मूड,
कि समंदर का मूड कैसा है, क्या करने वाला है, एंड द डेंजरस वाटर साइड और पानी के खतरे को बता सकता था. His harbors and his moons, his lodgements. यानी वो क्या बता सकता था? His harbor, harbor का मतलब होता है जहां पे ship जो होते हैं वो anchor किए, anchor के साथ कहीं आराम करने के लिए साथ लटकाए जाते हैं, उनको बांधा जाता है, उसे harbor कहते हैं. ये जगह होती है अक्सर कोस्टल एरिया में समंदर के साथ बनी होती है. हिज हार्बर एंड हिज मून हिज पायलटेज. पायलटेज का मतलब लिखें अथॉरिटी, हार्बर का मतलब लिखें जहाज का बांधना, और वो बता सकता था कि जहाज को कहां पे खड़ा करना है, और उसके बाद उसकी अथॉरिटी पायलट के बारे में, पायलटेज के बारे में, उसकी अथॉरिटी के बारे में बता सकता था. There was none switch from Huel to Carthage. अब यहां पर भी थोड़ा सा मुश्किल लफ्ज आया. ये Huel to for Carthage का मतलब लिखें, ये Huel का मतलब लिखें या हल है H न्यू इंग्लिश में HULL, हल का मतलब लिखें. साउथ ईस्ट कैनेडा का रिवर है उसे कहते हैं हल. For Carthage का मतलब लिखें ये एंशियंट सिटी है नॉर्थ, लिख लें नॉर्थ अफ्रीका का. यानी आप लिख लें कि कनाडा से अफ्रीका तक उस जैसा कोई अच्छा जहाजरान या शिपमैन नहीं था, वो ये कह रहा है. हल का मतलब सिंपली लिख लें कनाडा, और कार्थेज का मतलब लिख लें अफ्रीका. यानी कनाडा से अफ्रीका तक ऐसा नाइस इंसान नहीं था या ऐसा बंदा कोई नहीं था. हार्डी ही वॉज एंड वाइस टू अंडरटेक. हार्डी एंड वाइज, वो बड़ा सख्त और बड़ा अकलमंद. इन ऑल थिंग अंडरटेकन, अपने काम सर अंजाम देने में वो बड़ा अकलमंद और बड़ा सख्त था. विद मैनी अटेम्प्ट्स हैड हिज बियर्ड बीन शेक. बियर्ड का मतलब होता है वैसे तो दाढ़ी होती है, लेकिन यहां पे उसने जो फेस किए हैं, उसने अपनी जिंदगी में बहुत से तूफानों का सामना किया. बाई मैनी अटेम्प्ट्स एंड हिज बियर्ड बीन शेकन. यानी उसने बहुत सारे झगड़े मोल लिए, उसने बहुत सारे तूफानों का अपनी जिंदगी में सामना किया हुआ. बात कर रहा हूं सेलर की, मैंने बात की कि जहाजरान है और करप्ट इंसान है. ट्रेडर्स जो हैं, जो उसके साथ जाते हैं, सफर करते हैं जहाज के ऊपर, सामान लेकर जाते हैं, वो सोए होते हैं, ये इनकी शराब निकाल के पी जाता है, और उनकी चीजें जो अशिया जरूरियात हैं वो भी उनकी छुपा लेता है, और इसके लिए उसका जमीर भी जो है वो भी मलामत नहीं करता. ये है करैक्टर सेलर का. करप्ट और क्रिटिसाइज किया है इसको चौसर ने. आगे करैक्टर और प्लू मैन का करैक्टर निकालें, ये भी आपको बता देता हूं. निकालिएगा. हाँ जी, द करैक्टर ऑफ द प्लू मैन. विद हिम देयर वॉज अ प्लू मैन वॉज हिज ब्रदर. विद हिम देयर वॉज अ प्लू मैन वॉज हिज ब्रदर. काइंडली अगर आपको मिल जाए तो मुझे बता दीजिए. प्लू मैन का करैक्टर जो है वो हम पढ़ रहे हैं, जो कि पार्सन का ब्रदर है और बड़ा हार्ड वर्किंग और मेहनती इंसान है, इसको भी क्रिटिसाइज नहीं किया उसने. विद हिम देयर वाज अ प्लू मैन वाज हिज ब्रदर. पार्सन के साथ उसका भाई है. काम किसका करता है? फार्मर का. पार्सन के साथ उसका एक भाई भी है जो कि किसान का काम करता है, जो फार्मर का काम करता है. दैट हर्ड यल्ड Laid of doing full many of a father. यानी वो क्या काम करता है? फार्मर. That many a load of dung and many another. और ये जो फार्मर है वो क्या करता है? वो बहुत सारे काम जो है वो सर अंजाम देता है. यानी वो बड़े मुश्किल मुश्किल काम जो है वो करता है. Load of dungs, यानी वो हैवी जो काम है वो जो एक फार्मर के होते हैं वो करता है. ट्रीवी एंड स्विंकर्स एंड अ गुड वॉज ही हैड स्कैटर्ड फॉर अ गुड ट्रू. ये सिंपल इंग्लिश में भी साथ साथ आपको पढ़ के बता रहा हूं. हैड स्विंकर, वहां पे लिखा है स्विंकर और यहां पे स्कैटर्ड. स्कैटर का मतलब होता है फैलाना, बखेरना. हैड स्कैटर्ड फॉर अ गुड ट्रू ट्रॉलर. एक लफ्ज होता है टॉयल. टॉयल का मतलब होता है एफर्ट. उससे वर्ड निकला टॉयलर्स,
टॉयलर मीन एफर्ट करने वाला, मेहनत करने वाला, लेबर करने वाला, तो हैड स्कैटर्ड फॉर अ गुड ट्रू टॉयलर, और वो इधर उधर फिरता एफर्ट करने के लिए, मेहनत करने के लिए, मशक्कत करने के लिए। टॉयलर लेबर, लेबरर था वो, बड़ा मेहनती और मेहनत मशक्कत करने वाला शख्स था, और वो इधर उधर फिरता फिरता काम करने के लिए। डेफिनेटली किसान का काम ही ये होता है। आगे, लिविंग्स इन पीस एंड परफेक्ट चैरिटी, लिविंग इन पीस एंड परफेक्ट चैरिटी, और वो बड़े अमन के साथ और बड़ी परफेक्ट चैरिटी के साथ रहता, मुकम्मल चैरिटी के साथ रहता। कैसे चैरिटी के साथ? भाई किसी ने काम कहा, उसका काम कर दिया, जहां कोई ले गया वहां चला गया, उनकी काम करता रहा, तो वो बड़े अमन पसंदी के साथ और चैरिटी के साथ रहता, लोगों को अपने हिस्से से देता। चैरिटी होती है किसी को देना। God loved he best with all his whole heart. वो गॉड से बहुत ज्यादा, यानी अपने दिलो जान से ज्यादा मोहब्बत करता, यानी वो बड़ा बहुत ज्यादा गॉड से मोहब्बत करने वाला, गॉड से डरने वाला, उसकी मान के चलने वाला ऐसा इंसान था, यानी वो दिलो जान से गॉड से मोहब्बत करता। At all times, though him gamed or smart. इसका मतलब लिखें, एट ऑल टाइम दो ही प्लेड अ फाइट फ्लाइट्स हिज आर्ट। आर्ट उसके पास क्या? किसान का है, तो वो क्या करता? वो सारा दिन बड़ा स्मार्ट तरीके से कहता है, ही वर्क ऑल द टाइम, ही इज प्लीज टू वर्क ऑल द टाइम स्मार्ट। स्मार्ट मीन के वो तेजी से काम करने को बड़ा खुशी महसूस करता। ऑल द टाइम दो ही प्लेड अ फाइट हिज आर्ट, यानी वो अपना काम करते हुए बड़ा खुशी महसूस करता, सारा दिन अपना काम करते हुए खुशी महसूस करता, जो उसका काम था किसान। एंड देन हिज नेबर्स राइट एज हिमसेल्फ। अब देखें, ये उसने कहा है कि वो दूसरों को भी वैसा ही समझता जैसे उसके नेबर को, वैसे ही खुद को अपने नेबर जैसा ही समझता, यानी वो अपने आप को इंपॉर्टेंस नहीं देता बल्कि उनके साथ ही अपने आप को देखता। एंड नेक्स्ट हिज नेबर्स इवन एज हिमसेल्फ, और जो उसके नेक्स्ट डोर नेबर होते या जो उनके हमसाए होते उनको अपने जैसा ही समझता। जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो खुद का आप खाओ वही अपने हमसायों को भी खिलाओ, यानी जो खुद लो उनका भी पूछो, अगर घर में कुछ पका हो तो उनको भी दो। तो दैट इज थिंक अबाउट द नेबर्स। ही वुड थ्रैश यू एंड देयर टू डाइक्स एंड डेल्स। ही हैड थ्रैश का मतलब होता है किसी चीज को तोड़ना, एंड डिग खोदना, विद नेवर थॉट ऑफ पेल्फ। पेल्फ का मतलब लिख ले मनी, PLF, पेल्फ का मतलब होता है दौलत, शान शौकत, मनी, रुतबा, सारे मतलब इसके, यहां पे दौलत के इस्तेमाल हुआ दौलत। थ्रेश का मतलब होता है तोड़ना, जमीन में वर्क करना, किसी चीज को तोड़ना, डिग खोदना, विद नेवर थॉट ऑफ पेल्फ, और बगैर पैसे के। वो क्या करता? वो जमीन में काम करता, उसको खोदता, और बगैर पैसे के, रकम के लिए या दौलत के लिए काम करता। समझ आ गई? इसकी 536 लाइन है, 536। ही हैड थ्रश होता तोड़ना किसी चीज को, एंड ड्रग थ्रश मीन के ही इज थ्रशिंग समथिंग, लाइक वर्किंग इन अ ग्रेन्स, फाइंडिंग समथिंग, ग्रेन्स निकालना, थ्रेशिंग करना, एंड डिगिंग, और खोद रहा था, थ्रेशिंग कर रहा था, लेबर से रिलेटेड वर्क कर रहा है, विद नेवर थॉट ऑफ पेल्फ, और बगैर दौलत के वो काम कर रहा था, बगैर इस फायदे के वो काम करता। फॉर क्रिस्टस सेक, फॉर एवरी पावर्स वेट। आप देखें, फॉर क्राइस्ट ओन सेक, फॉर एवरी पावर वेट, और वो ये सब कुछ किसके लिए करता? खुदा की मोहब्बत में, वो क्राइस्ट की मोहब्बत में ये सब कुछ करता, गरीबों के लिए और क्राइस्ट के लिए करता। Without an sahar, if it lay in his might, all without pay, simple English आगे 538 की, all without pay, if it lays in his might,
इन हिज माइट उसकी पहुंच में होता, इट लेज इन हिज, और ये बगैर सारी चीजें बगैर पैसे के करता, जो उसकी सकत में होता, जो उसकी पहुंच में होता, वो तमाम काम लोगों के लिए बगैर पैसे के करता। यानी करैक्टर जो है पॉजिटिव करैक्टर है। ही टिथ, ही टाइथ, टी आई टी एच ई एस, ही टाइथ, he tithes paid his full fares and well, he paid his tax, tithes का मतलब लिखे tax, वो अपना tax अच्छे तरीके से यानी पूरा अदा करता, fully fairly and well, बहुत अच्छे तरीके से मकम्मल fairly ईमानदारी से और अच्छे तरीके से अपना tax अदा करता, जैसे हमारे लोग जो हैं अक्सर tax अदा नहीं करते। both of his proper swinks and his cattle, both by his own toils and stuff he had sell, toil का मतलब लिखें कोशिश मेहनत, toil का मतलब फिर बता रहा हूं कोशिश मेहनत hard working, and by stuff he had sell, और जो उसके पास माल मवेशी होते या वो जो जिस्मानी मेहनत करता उससे वो उससे चीजें जो है वो गरीबों को भी देता, इवन के वो टैक्स भी देता उसे। इन अ tabard, tabard वही इन है जहां पे ये स्टे किए हुए सराय। इन थाबड़ ही रोड अपॉन अ मेयर, और थाबड़ में उस सराय में वो एक घोड़ी पे, एक फीमेल घोड़ी के ऊपर बैठकर आया है। देयर वाज आल्सो अ रीव एंड अ मिलर, और उनमें एक रीव और मिलर भी है। अ मेंसपल्स एंड माइसेल्फ, यानी अ सामनर एंड पार्टनर, उनमें एक सामनर पार्टनर भी है। अ मेंसपल्स एंड माइसेल्फ, देयर वाज नेमो, और उनमें मेंसपल और मैं भी उनके साथ उन नामों में या उनमें शामिल हूं। तो ये बता रहा है जो आपको स्टोरी सुना रहा है इसका नैरेटर। वी हैव कवर्ड ब्लू मैन, वी हैव कवर्ड द कैरेक्टर ऑफ शिपमैन, दे टू आर इंपॉर्टेंट बिकॉज दे कैन बी इन योर एग्जाम। सो द कैरेक्टर ऑफ ब्लू मैन इज अ पॉजिटिव वन बिकॉज दिस पर्सन इज वर्किंग हार्ड इन अ वे टू pay the taxes and doing his toils, and after that whatever he is having he is doing and selling his you could say stuff, and he is giving to the poor as well as doing for the Christ's sake. And the second thing is that shipman is a corrupt enough, he is even getting the wines and other goods of the people while they are sleeping, they are traveling with him, they are on a journey. What does he do? He is taking away their things, and after that he is not feeling, his conscience is not pricking him whether he is doing good or bad. So let's move to another assignment. दूसरी assignment पे आइएगा, current की assignment है sexual implication in the rape of the log. इसको भी मैं साथ साथ finish कर लूंगा, तो जैसे ही ये इसकी assignment जो है इसकी भी finish हो जाएंगी उसके बाद इसकी text जो है वो start कर लेंगे। Sexual implications, अब हम पढ़ने जा रहे हैं अलेक्जेंडर पोप की एक असाइनमेंट है। कल मैंने अलेक्जेंडर पोप के बारे में आपको काफ़ी चीज़ें बताई थी, आज फिर थोड़ा सा बता देता हूँ। ज़रा ओपन कीजिएगा, यस सो हियर इज, यस द रेप ऑफ द लॉ, रेप ऑफ द लॉक्स। थोड़ा सा अलेक्जेंडर पॉप की लाइफ के बारे में दोबारा बात कर लेते हैं। अलेक्जेंडर पॉप बोर्न इन अ कैथोलिक फैमिली, एक कैथोलिक फैमिली में पैदा हुए, सफर्ड फ्रॉम द प्रिजुडिस, प्रिजुडिस मीन के ये कद के 4 इंच इनका कद था, लोग इनसे नफरत करते थे, और ये स्कूल भी जाते तो लोग इनको क्रिटिसाइज करते, मजाक करते, उनके ऊपर तंज करते। तो इसकी जो इब्तदाई जो सिचुएशन थी वही इस तरह की थी कि लोग इसको इतना लाइक नहीं करते थे, और ये भी लोगों की इतनी उनकी कंपनी में नहीं रहा, आइसोलेट रहा। अबाउट अलेक्जेंडर पॉप, सेल्फ टॉट एंड नथिंग बट रीड एंड राइट, डिड नथिंग बट रीड एंड राइट, उसने कुछ भी कहीं से भी नहीं सीखा, उसने घर में ही तालीम हासिल की। और ये सबसे बड़ा काम जो करता है इलियाड और ओडिसी को, रोमन ग्रीक जो वर्क है उसको ये ट्रांसलेट करता है। सफर फ्रॉम इल हेल्थ, ट्यूबरक्लोसिस, एस्थमास एंड हेडेक, ये इसकी प्रॉब्लम रही। असाइनमेंट आपके ग्रुप के अंदर जो है वो मौजूद है, उसको देख लें थोड़ा सा। ये बाकी असाइनमेंट जो है ये जो हम पढ़ेंगे वो आपकी करंट की असाइनमेंट से, मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बता रहा हूं। असाइनमेंट मैंने एक सेंड भी की हुई है इसी।
और इसके अलावा published an essay on criticism. Essay on criticism इसका बड़ा अच्छा वर्क है, अगर आपके पास टाइम हो तो essay on criticism इसका पढ़ के देखिएगा, आपको मजा आएगा. ये लिखता है हीरोइक कपलेट, यानी कपल, कपल का मतलब होता है दो, तो दो लाइन में लिखेगा तो वो आपको बड़ी बात कर देगा. वो कहते हैं जैसे charm strike the sight, merit win the soul, to err is a human, to forgive is divine, lady wins and daddy loss, this is the main game of this era. हाँ जी, 1711 में essay on criticism, first strike success as a poet, made friend with the Jonathan Swift and John Gay. John Gay और Jonathan Swift इसके friend थे, जिसने Jonathan Swift का आपने वर्क पढ़ा होगा, जो कि आयरिश एक राइटर था, प्रोज राइटर था, और हमने उसका वर्क पढ़ा था ग्लेवर ट्रेवल, होप यू रिमेंबर. रेप ऑफ द लॉ किसने तीन उसके एडिशन जो है, तीन एडिशन में इसको लिखा है, 1712 में, 1714 में और 1717 में, ये तीन में, पहले दो कैंटो लिखे, फिर उसमें उसमें दो शामिल किए, और फिर एक जो है कलेरिसा की जो स्पीच है इसमें बाद में शामिल करता है. अ क्वारल बिटवीन द टू फैमिलीज, और लॉर्ड पीटर जो है वो बैरन जो है वो लॉर्ड पीटर का किरदार अदा कर रहा है, मिस अरबेला फार्मर का ब्लिंडा अदा कर रही है, जॉन कैरल जो है वो फैमिली फ्रेंड है और वो सजेशन देता है, वो उस फैमिली का भी दोस्त है जिनकी लड़ाई हुई है, और इसका कि भाई इस तरह लड़ाई हुई है तो तुम कोई रिडिकुलस सी पोएम लिख दो. तो ये फिर उसके बाद पहले दो कैंटो लिखता है, फिर कंसेंट लेता है, फिर उसकी इजाजत लेता है, फिर उसके बाद दो मजीद लिखता है, फिर क्लेरिसा की जो स्पीच है वो शामिल करता है. तो इसका वर्क है द डंसियाड, DUNCIAD, डंसियाड भी इसका वर्क है जो 1728 में इसने लिखा है. उसके बाद इसकी डेथ होती है, डाइड 1374, एज ऑफ द पोप एंडेड. ने जी, लेट्स कम टू आवर असाइनमेंट, सेक्सुअल इंप्लीकेशन इन द रेप ऑफ द लॉ. पहली तो बात यह है कि इंप्लीकेशन का मतलब क्या होता है, लिख ले मानी. इंप्लीकेशन का मतलब होता है मुजम्मरात, हिंट्स, ठीक है, इम्प्लीकेशन कि क्या क्या आपको इशारे मिलते हैं, सिग्नल मिलते हैं, क्या आपको इसके अंदर रेफरेंस ऐसे मिलते हैं जो किसको बताते हैं, जो सेक्स की सिंबल को बताते हैं कि सेक्सुअल सिंबल है इसके अंदर. एनालाइज अ पॉप साइकोलॉजिकल इंसाइट इनटू द ह्यूमन नेचर इन द रेप ऑफ द लॉक, किस तरह साइकोलॉजिकल इंसाइट को ह्यूमन नेचर की रेप ऑफ द लॉक के अंदर उसने बयान किया है. डिस्कस द रेप ऑफ द लॉक, ये क्वेश्चन आए हुए हैं, ये 1986 में आया हुआ है, 1995 में आया हुआ है, और एक्सपेक्टेड है कि इस दफा भी आ जाए क्योंकि ये साइकोलॉजी से रिलेटेड है. बाज़ जब हम लिटरेचर को पढ़ते हैं ना, तो लिटरेचर के अंदर से हमने उस डिस्कोर्स से, मिसाल के तौर पर मुझे कोई मैसेज करे तो मुझे पता चल जाता है ये कहना क्या चाहता है, क्योंकि मैं डिस्कोर्स एनालिसिस भी कर लेता हूं, ये मेरा सब्जेक्ट है, मैं पढ़ाता हूं, मुझे नॉलेज है, मैं क्रिटिकल डिस्कोर्स एनालिसिस को भी जानता हूं, मैंने स्टाइलिस्टिक्स को भी पढ़ा हुआ है, स्टाइलिस्टिशियन भी हूं मैं. तो मैं, हमने लिटरेरी और नॉन लिटरेरी जो स्टाइलिस्टिक जो एनालिसिस है, स्टाइलिस्टिक एनालिसिस जो है वो भी हम करते हैं, तो लिटरेरी और नॉन लिटरेरी लेवल पे भी करते हैं. ले जी, देखिएगा ऊपर, डिस्कस द रेप ऑफ अ लॉक एज अ ड्रामेटिक क्रिटिसिज्म ऑफ द सेक्स वार, कि ये जो वार हो रही है, एक मेल है और फीमेल है, दोनों के दरमियान एक सेक्सुअल वार को इनफैक्ट ये जाहिर करता है. ये एक सिंबॉलिक पोएम है और ये बेसिकली बताती है कि फीमेल और मेल के दरमियान एक सेक्सुअल वार चल रही है, जो कि हम इसके अंदर पढ़ते हैं.
In the 18th century, the rape of lock was appreciated as only a social document containing the stares on the town life. In 19th century, the approach, यानी ये तो पुरानी सेंचुरी थी ना, 18th century थी, 19th century में रिसर्च होती है कि असल में बात क्या है. 19th century, the approach of the critic became romantic and they appreciated the filigree work. Filigree work, कि इसके अंदर filigree work क्या है, इसके अंदर emotional और जो sexual work क्या है. However, in the 20th century, the psychological interpretation dominated and came to be studied as a poem having sexual connotation. Connotation एक होता है, connotation एक denotation. Denotation का मतलब literary or dictionary meaning of something. Connotative mean के associative meaning. मिसाल के तौर पर अगर मैं आपको कह दूं कि there is a snake. अब snake के दो मानी हैं. एक तो वो जी long reptile, something like that animal. दूसरा तो मानी है उसका कि वो जी इतना लंबा सा एक animal है और काट लेता है, और ये उसका मानी. एक उसका मानी है कि danger, खतरा, मकार शख्स, cunning शख्स. ये सारे मतलब जो है उससे रिलेटेड, इसको कोनोटेटिव मीनिंग कहते हैं. तो इसके भी कोनोटेटिव मीनिंग है. ईच एस्पेक्ट ऑफ द पोएम वाज ट्रांसलेटेड एंड इंटरप्रेटेड एज द अदर एस्पेक्ट ऑफ द सेक्स. द 20th सेंचुरी वाज द एज ऑफ द साइकोलॉजिकल इनसाइट एंड दस इट डिस्कवर्ड इन लिटरेचर मच मोर देन एनी अदर सेंचुरी कुड इवन ड्रीम. एवरी राइटर एज वेल एज द वर्क वॉज एनालाइज इन साइकोलॉजिकल टर्म. Modern psychology has proved that the sex is the nucleus of the human life and it is a natural instinct like many other instincts. यानी ये एक जबिल्ली अमल है और बहुत सारे जो दूसरे जानवर जो हैं life है उसका भी ये instinctive एक process है. It should be accepted and it should not be curbed, controlled. इसको control नहीं करना चाहिए, बल्कि वो क्या कह रहा है, it can be disciplined. It should be accepted and should not be curbed and controlled. जितना आप इस natural ख्वाहिश को दबाते हैं, that can be more dangerous. Rather, it should be disciplined and organized like the other instinct. बल्कि इसको discipline करना चाहिए. We must have to discipline it. It can be disciplined by social and moral taboos. Social taboos होती हैं रकावटें. कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमारे लिए taboos हैं. मिसाल के तौर पर अब यूरोपियन कंट्रीज के अंदर जो ड्रेस पहना जाता है आप यहां पे नहीं पहन सकती, टैबू है. इट्स अ टैबू. यहां पे आप वल्गर डिस्कशन अपने टीचर या अपने फादर से नहीं कर सकती, देयर इज अ टैबू. आप बहुत सारे मसले मिसाल अपने ब्रदर फादर से नहीं डिस्कस कर सकते, दीज आर द टैबूज. ये सोशल और अपनी मॉरल टैबूज है. But any unnatural attempt to curb hota control karna, this instinct will lead to the drastic consequence and one may become the immoral in the eyes of the world. Aur iski bahut sari aisi baatein hain jisko agar hum kehta hai ji control karte hain to hum duniya ki nazar mein kya ban jate hain, immoral ban jate hain. The book The Rape of the Lock in fact revolves around the instinct of the man. The apparent story is a love dispute between the lady Belinda and gentleman Baron. Baron proposed his name for marriage to Belinda, who rejected his proposal, and consequently Baron cut one of her beautiful lock. But the modern critics give this simple story symbolic and emotive meaning by highly borrowing from the psychological interpretation. Haymans is of the view the lock is a symbol of the female organs and rape of the lock symbolizes the rape of the Belinda by Lord Peter. वो कहते हैं जो modern critic हैं उन्होंने इसको connotative meaning दिए हैं. उन्होंने कहा कि it is not basically the rape of the lock, in fact it was a genuine and original rape by the Baron. Baron has raped Belinda and that is why she was making hue and cry. That was connotative, in fact it's a connotative and symbolic meaning that critics have ड्रॉन. जो क्रिटिक्स ने ड्रॉ किए हैं मीनिंग उसमें उसके अकॉर्डिंग ये ओरिजिनल रेप हुआ था और शी वॉज मेकिंग ह्यू एंड क्राई बिकॉज बैरन हैज रेप्ड हर. एन अदर मॉडर्न क्रिटिक्स नाइट सेज दैट द पोएम प्रोजेक्ट्स द सिंथेसिस बिटवीन द सेक्स एंड रिलीजन. द बॉयज एंड द गर्ल्स वर अलाउड टू हैव रिलेशंस एंड दे प्लीडेड फॉर द फ्री सेक्स.
However, legion did not permit the same. Moreover, the social compulsions also obstructed their desires for the free sex. The result was that many of them who did not curb and sticks established sexual relations secretly, so their social reputation may not damage. This is apparent from the following lines of the rape of the law. O hadst thou the cruel been content to seize, here less insights are any here but these. यहाँ पे वो आपसे डिस्कस कर रहा है कि हियर वन ऑफ अनदर क्रिटिक इज सेइंग दैट देयर द पीपल ओवर हियर देयर आर सम टैबूज एंड दे कांट अडॉप्ट दिस फ्री सेक्स. सो व्हाट दे नीड टू एस्टैब्लिश सीक्रेट रिलेशनशिप विद द मेल एंड फीमेल. फीमेल एंड फीमेल दे डेवलप सीक्रेट रिलेशन इन अ वे टू हैव देयर नेम. यू नो दैट वंस दे आर एक्सपोज टू द सोसाइटी विल abuse and they will isolate them. So what they do, they develop secret relationship in a way to have some sexual relationship. तो इस तरह के वो relation जो है secretly develop कर लेते हैं ताकि वो taboos जो है उनके उनसे बच सकें. तो यहाँ पे उसने एक reference दिया है कि वो खुद से कहती है कि you should not cut the hairs that are apparent, that are visible in front, or you should cut another hairs instead of these hairs. इन हेयर्स के अलावा कोई और हेयर्स जो है वो काट लेते. द अबव लाइंस टेंड टू इंडिकेट दैट ब्लिंडास ग्रीव वाज नॉट लॉस ऑफ चेस्ट्री उसकी वर्जिनिटी बट देयर सोशल डिसरेप्यूटेशन. दैट इज व्हाई शी रिपेंटेड वुड दैट लॉर्ड पीटर कट हेयर्स लेस इनसाइड्स आर एनी हेयर्स बट दीज. सो द सेक्स फिलॉसफी ऑफ द बेल्स एंड द बोज. बोज का मतलब लिखें मेल लवर, जो यंग लवर होते हैं उनको कहते हैं बोज, BOH, इसकी प्रोनाउंसिएशन है बो ऑफ द पॉप्स एज वाज दैट द सेक्स बीइंग अ नेचुरल इंस्टिंक्ट शुड नॉट बी सप्रेस्ड बट द फियर ऑफ द रिलीजन एंड द सोशल डिसरेप्यूटेशंस डिड नॉट अलाउ द बॉयज एंड गर्ल्स टू हैव द फ्री सेक्सुअल रिलेशन एंड सच रिलेशन वर डब्ड एज इमोरल. That is what happens with the Blindas and her shocks was social disreputations and not the loss of the chastity. So here he is saying that in fact there are some taboos, moral restrictions and the society does not allow the boys and girls to have a free mingling. So that is creating frustration because it should not be suppressed. It's a natural desire and according to the European countries it is a natural desire and it should not be suppressed. You should express freely your wishes to the guys and boys. We notice that throughout the poems, a competitive spirit pervades the phalna between the both of the sexes. The game of the ombre has been interpreted as a gender conflict in which both the males and the female. वो एक game भी खेलते हैं ना male और female के दरमियान. तो वो कहता है कि उसको भी उसने overall नाम ये दिया. मैं आपको वैसे ही बता देता हूँ कि जो मेल जो ओम्ब्री गेम है, जो ओम्बर गेम जो आपस में खेलते हैं, उसका मतलब ये है कि मेल और फीमेल खेल रहे हैं. पहले जो मेल है वो थोड़ा सा डोमिनेट करता है तो अल्टीमेटली फीमेल जो है वो एक सेक्सुअल प्रोसेस बताया गया है मेल और फीमेल के दरमियान वो कह रहा है. आगे आ जाए नेक्स्ट पेज के ऊपर. पोप टॉक अबाउट द सॉफ्ट बॉजम्स विनिंग लिप्स मेल्टिंग मेट्स एंड मिड नाइट्स मैस्कुरेड्स. मैस्कुरेड का मतलब लिखे रवाज कॉस्ट्यूम्स मास्क. कहता ऑल दीज मिड नाइट्स मैस्कुरेड्स द चार्जेस ऑफ द पेटीकोट्स द चार्ज ऑफ द मेट पेटीकोट्स. ये सारे जो उसने सिंबल बताए हैं ये सारे सेक्सुअल सिंबल हैं वो कहता है. ऑल दीज वलप्चुअस फ्रेज, ये वलप्चुअस फ्रेज हैं जो सेक्सुअल फ्रेज हैं, हैव कॉट द अटेंशन ऑफ द मॉडर्न साइकोलॉजिस्ट एंड हैव बीन इंटरप्रेटेड इन टर्म ऑफ द सेक्सुअल बिहेवियर. जैसे ही देखिए ये बात अगर लिटरेरी लोग इसको पढ़ेंगे तो उससे वो सिम्बॉलिक मीनिंग भी लेंगे. तो ये आपने सारा उसको बताना है. Have been interpreted in terms of the sexual behavior and sexual relation of the women of that age. Even the lock reaching the sky and turning into the comet और falling star का जो हिस्सा बन गई है has sexual implication. उसका भी एक sexual implication है, एक signal है, एक आपको वो बताती है. Implication का मतलब लिखे connotation. इसके मैंने मजीद मानी लिखे हैं तो ये देख लीजिएगा. Implications, connotations, connotative meaning. It indicates that Belinda's reputation is lost ever and incidents of her rape is known as everyone. अब जो वो कहता ना अब उस्मान का हिस्सा बन गई है, इसका मतलब है कि बिलिंडा का रेप जो है वो सबको पता चल गया कि रेप हुआ है
और वो स्टार का अब हिस्सा बन गया है और वो वहां चमक रहा है। हर बंदा देखेगा, इस सोसाइटी को देखेगा, बिलिंडा की जो यहाँ पे डिग्रेशन हुई है वो देखेगा, इसके साथ जो हुआ है ब्रिंडा को वो हमेशा लोगों को याद रहेगा। वो इसलिए असल में बता रहा है कि इट इज बेसिकली इट वाज सेक्सुअल रेप ओवर देयर एंड शी वाज रेप्ड एंड एवरीबॉडी नोज अबाउट हर। इट इंडिकेट्स दैट ब्रिंडाज रेपुटेशन इज लॉस्ट एवर एन इंसिडेंट ऑफ हर रेप इज नोन टू एवरीवन। दिस इज फर्दर सब्सटेंशिएटेड बाय द फैक्ट दैट द शी इज अ वूमन ऑफ यील्डिंग एंड सबमिसिव नेचर हु इजीली फॉल अ प्री टू द चार्म ऑफ द ब्रोस। वो ना यंग लवर की बातों में आसानी से आ जाती है। बट शी ऑल्सो फ्रीक्वेंटली चेंजेस हर फेवर्स फ्रॉम वन टू अनदर। वो एक से दूसरे की तरफ, जिसके पास अच्छी गाड़ी हुई उसके पास होगी, कुछ फीमेल होती हैं जिसके पास गाड़ी अच्छी उसके साथ होगी। अनदर कीप शिफ्टिंग मूविंग द टॉय शॉप्स इन, उनके दिल ऐसे हैं जैसे टॉय शॉप होती है, एक से दूसरी जगह, दूसरी से तीसरी जगह। शी इज नॉट सेटिस्फाइड विद वन मैन एंड ऑलवेज सर्च ऑफ द बेटर। द पोएम अपीयर बिफोर अस एज अ सेक्स सिंबल। In the light of the above discussion, we arrived at the definite conclusion that the poem erudition is being a social style is also a description of the sex instinct and instinct ka matlab likhe jibillat, natural, and its implication or uski jo connotation meaning hai with reference to the men and women as well as the society and the taboos. Hope you got the points. ये अगर आ जाए इस तरह की कोई, तो आपने इसको बड़ा डिटेल वाजे करके आना है, वहां पे अच्छी तरह डिटेल देकर आनी है, ये भी नॉलेज इस्तेमाल करें।